आईआईटी खड़गपुर में जो घटना घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये जातीय उत्पीड़न का मामला है। मनुवादी प्रोफेसर सीमा सिंह, इसने अनुसूचित जाति जमाती एससी एसटी के बहुजन स्टूडेंट को गाली दी है, ब्लडी बास्टर्ड कहा है, सेमलेस कहा है, और ये एजुकेशन के अंदर की एक एट्रोसिटी है। ये एट्रोसिटी गांव में होती है, ये एट्रोसिटी ऑफिस में होती है, और ये एट्रोसिटी अब एजुकेशन में भी होती है। ये जातीय उत्पीड़न के मामले के वजह से रोहित यमुला गया, पायल तड़वी गई। हमारी मांग है कि ये जो प्रोफेसर सीमा सिंह है, इसके खिलाफ तत्काल एससीएसटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और निलंबन होना चाहिए और जेल में भेजना चाहिए। सामने आ रहा है कि इसका कहना है कि जब ऑनलाइन लेक्चर शुरू था तब ये स्टूडेंट खड़े हुए नहीं, नेशनल एंथम चल रहा था, स्टूडेंट खड़े हुए नहीं, उन्होंने भारत माता की जय बोला नहीं, इसलिए गाली दी। हमारा इनको सवाल है कि मनुवादी हो, तुम्हारे औकात क्या है हमें पूछने की, तुम्हारी औकात क्या है हमें पूछने की कि तुम राष्ट्रभक्ति दिखाओ, देशभक्ति दिखाओ। ये जो कौम है, ये जो जमात है, ये देश के लिए शहीद हुई वाली जमात है। आज देश जो खड़ा है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से खड़ा है। मनुवादियों की औकात नहीं है हमें भारत माता की जय बोलो, नेशनल एंथम के वक्त खड़े रहो, ये नौटंकी काय को करते हो, किस लिए करते हो? इस देश के स्वातंत्र्य में आपका योगदान क्या है, हिस्सा क्या है, आपका कौन शहीद हुआ है? झूठे देशभक्त हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे? और जिस भारत माता की जय की बात करते हो, भारत माता की जय बोलो बोलते हो, उस भारत माता के पिता का पता कौन बताएगा? हम भारत माता की जय बोलेंगे या नहीं बोलेंगे किसी ने बताने की हमें जरूरत नहीं। नेशनल एंथम शुरू है तो खड़ा रहना या नहीं रहना ये मनुवादी हमें कदापि नहीं बताए, क्योंकि इस देश को स्वतंत्र और आजाद करने के लिए हमारे लोग शहीद हुए हैं। हम तुम्हारा सुनेंगे नहीं और तुम्हारे औकात भी नहीं है हमें कहने की। भारत माता की जय की बात करते हो, मनीषा वाल्मीकि भारत माता के बेटी नहीं है? आशिफा भारत माता की बेटी नहीं है? हमारे खैरलान जी में जो हत्याकांड हुआ वो भारत माता नहीं है? एक तरफ जाति उत्पीड़न करके भारत माता और भारत माता की बेटियों की हत्या करोगे, उस पे चुप बैठोगे, तुम्हारे लोग ये सब करेंगे, बलात्कार करेंगे, अत्याचार करेंगे और भारत माता की जय बोलो बोलेंगे? मनुवादियों, तुम्हारी औकात नहीं हमें देशभक्ति सिखाने की। ये देश हमारा है, हम तय करेंगे, और हर भारतीय को अपने देश के प्रति लगाव है, अपने देश के प्रति भावना है, अपने देश के प्रति प्रेम है। तुम मत बताओ, तुम कोई नहीं है हमें बताने के लिए। ऑल इंडिया पैंथर सेना मांग करती है कि एजुकेशन के अंदर की जो एट्रोसिटी है, इसके खिलाफ हम आवाज करेंगे। तत्काल ये जातीय उत्पीड़न का मामला है, रैगिंग का मामला है, देश का बहुत बड़ा मुद्दा है कि आईआईटी के जैसे जगह पर एट्रोसिटी एक्ट का गुनाह होता है, इसलिए तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और जेल में भेजा जाए, नहीं तो इस देश में हम बहुजनों का आंदोलन खड़ा करेंगे। जय भीम।